रुपए जाएगा इसका खर्चा। तू निकल मैंने किया ही नहीं है, नहीं किया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम ब्लॉग बनाने वाले, आप सभी की डिमांड थी कि फिर से कुछ प्रैंक करो, कुछ प्रैंक करो। तो हमने बहुत सोचा और फिर हमने सोचा, हम दरवाजा बंद कर अगर आ गया तो पता चल जाएगा। तो आरुष के ऊपर हम प्रैंक करने वाले हैं और आज ही सही मौका है क्योंकि आज सूरज और मोना की फर्स्ट एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैंने इन लोगों को कहा था कि भगवान करे तुम लोग 7 जन्मों तक साथ रहो। तो मोना बोलती क्या पता ये 7 जन्म ही हो, बिकॉज मोना बोल रही 1 जन्म से ज्यादा मैं उसको झेल नहीं सकती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आरुष के साथ हम ये प्रैंक करेंगे के टीवी पे हम लोग वो लगाएंगे कि स्क्रीन टूट गई है। और आरुष ने अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत चीजों का नुकसान किया, जैसे बहुत सारी चीजें कैमरा की लेंथ, जो मैं उसको चिल्लाऊंगी तब बताऊंगी। और आरुष बोलते हैं यार तूने टीवी के साथ ये क्या कर दिया, और उसके ऊपर जो भड़कूंगी कोशिश करूंगी कि मैं हंसू नहीं। सब लोग बाहर है और मैंने अंजना को बोल दिया है और अयान को बोल दिया है, और एक फोन मेरे हाथ में कोशिश करूंगी रखूं, नहीं तो वो फोन भी किसी और के हाथ में दे दूंगी। टोटल 3 एंगल हम सेट करेंगे और फिर मैं आरुष के ऊपर चिल्ला स्टार्ट कर दूंगी। चुभा जाती हूं। बाहर सब लोग डांस कर रहे हैं और मैंने सबको ऑलरेडी बताया कि थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक करके सब अंदर आ जाना, ताकि आरुष अकेले हॉल में रह जाए और फिर मैं उसको बोलूँ कि आरुष नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी लगा के हम लोग को जुजुत जी देखनी है, तो मैं आई थिंक अमेजोन पे आई हूँ, तो मैं उसको वो लगाने बोलूंगी और फिर मैं भी अंदर आ जाऊंगी। फिर आरुष जब वो मूवी लगा देगा उसको भी अंदर बुला लेंगे, फिर चुपके से कोई एक जन जाके टीवी पे वो स्क्रीन टूटने वाला वो लगा देंगे। चलो गाइस, मूवी देखते अभी गाइस। क्या हुआ? अरे यार तुम लोग बाहर आओ ना यार, टीवी देखने चालू हो गई मूवी। क्या हुआ? मैंने सूरज को बोला तू वॉशरूम में जा, मैं और अंजू किचन में जाते हैं। मैं और अंजना किचन में जा रहे हैं, सूरज को वॉशरूम में भेजा किचन से। मैं आरुष को आवाज दूंगी। Few moments later. ये क्या हुआ? रिमोट दो ना। रिमोट कहाँ है? रिमोट किसके पास था? तेरे पास था ना? नहीं, ये रखती क्या थी? यहाँ रखा था रिमोट अभी। ये क्या? ये रखती क्या था दीदी? कहाँ रख के गया था? तूने लगाया ना? तेरे से कुछ लगा है तो बता दे। मेरा कुछ लगा है, तेरे से कुछ लगा है? अभी आपने बोला तो अंदर आया। स्क्रीन ऐसी कैसे हो गया आरुष? तुझे कभी भी कुछ भी बोलो सारा ही काम तो तुझसे अगर लगा है तो बता दे प्लीज। मम्मी रुक जाएगी अभी यार, तुम्हें इसको ही लेके नहीं। मैं सच में यार एक काम तुझे बोलती हूँ, तू सारा बिगाड़ देता है। कैमरे का लेंस को ही खराब कर देता है। एक मिनट दीदी, रिमोट से क्या होगा? इसका डिस्प्ले खाया है, रिमोट से क्या दिखेगा? तू कुछ लग रहा है कैसे हुआ यार? तेरे हाथ में था यार आरुष रिमोट। मम्मी उठ के देखेगी तो क्या बोलेगी यार? ठीक है हो जाएगा ना कुछ। कैमरे का लेंस तो तू खराब कर देता है, फोन तो पानी में डाल के तू खराब कर देता है। पेट्रोल सच में मम्मी की कसम खा रही, 20,000 रुपए लगे हैं।
डीजल पेट्रोल की जगह इसमें डीजल डाल दिया था गाड़ी, फिर भी मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मैंने इसको एक चीज बोली, एक चीज भी बोली मैंने तुझे, एक चीज भी बोली मैंने तुझे यार, मुझे भरना पड़ेगा। मैं हर बार नहीं भर सकती हूँ तेरे लिए, मैं तंग आ गई हूँ। तुझे कभी कुछ नहीं बोलती, तू फटाते नहीं लेता यार। 5-10 हजार की बात हो, 20 हजार की बात हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 हजार रुपए जाएगा इसका खर्चा और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। मुझे क्या पता, मैं किचन में गई थी, तुझे किचन में बुलाया था। आने के बाद कौन था हॉल में? रिमोट लास्ट चीज के हाथ में था। नहीं तुम तो अंदर आए थे, सिमरन जी मेरे को बुलाई थी। नहीं मैं मारे में कुछ तो लगा है, मुझे देख देख कर ऐसा खींच के थप्पड़ मारू। प्लीज निकल आ, मैं गुस्सा आ रहा है मुझे तुझे देख के। प्लीज निकल, प्लीज निकल। मैं सच में फ्रस्ट्रेशन से रो रही हूँ। अरे मम्मी को क्या बोलेगी? अरे लेकिन वो जाएगा तो भी क्या बोलेगी? आरुष मारते मारते चला के निकल गया। मम्मी कसम मैंने नहीं किया। क्या मम्मी कसम झूठी खाता यार। छी आरुष, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, तो एक बार बोल दी थी, गलती से हो गया। मैं तुझे नहीं कुछ बोलूंगी, झूठ मत बोल। मम्मी कसम तो झूठी मत का कोई वैल्यू नहीं है मम्मी की। यू मम्मी कसम ऐसे खा लेगा, हॉल में तेरे अलावा कोई भी नहीं था। भाई पूरा हिल रहा है, मतलब कुछ तो लगा है, फिर कुछ तो हुआ है 100%। सॉरी तुझे मैंने इतना चिल्लाया, गलती हो गई, सॉरी, प्लीज जाने जा, ठीक है। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें बिल्कुल रोना आ रहा है, मैंने किया, मेरे से गलती हुई। नहीं किया पता, सच में बुरा नहीं लगा। आधे घंटे तक ये सारी चीजें चलती रही, हम एक ही बात पे आर्ग्यू करते रहे करते रहे करते रहे। जितने का डिस्प्ले डालने लाएंगे ना, उतने का टीवी आएगा, क्योंकि डिस्प्ले का ही पैसा रहता है। जाने से सलूशन नहीं निकलेगा, रुक जाओ, देखते हैं आपको क्या रास्ता है। डिस्प्ले लगाने में सीधा बोलेगा भाई, मैं तो 80 हजार लूंगा। मैंने किया ही नहीं, नहीं किया। चिल्ला के से बात कर रहा है, चिल्ला के प्यार से बोला। मैं काफी देर तक सेम आर्गुमेंट चला, वो बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर किया है तो बता, झूठ मत बोल। तू एक नंबर का झूठा, तू पहले भी झूठ बोला। जो बदतमीजी से तू बात करना, याद रखना तू किस बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने बदतमीजी से बात किया, अगर हुआ है तो बोल दो ना। मतलब अरे भाई यार, तेरा असली रंग अभी पता चल रहा है मुझे। मैंने तुझे चिल्लाया नहीं इसके लिए, तूने अगर बोला है, तूने किया है, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलती, तू झूठ बोल रहा है। मुझे उस बात पे तुझे पता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। गलती से हो गया तो एक्सेप्ट करना। नहीं सूरज भाई, नहीं हुआ मेरे से, पता है क्यों। अरे वो कभी एक्सेप्ट करता है क्या अपनी बातें? उसने कभी किया है? नहीं। आंटी को क्या बोलना है लेकिन, ये बात है ना। मैं बोल दूंगा ना, आंटी उठेगी सुबह, दीदी हम सब लोग थे मूवी देख रहे थे, ऐसा हो गया। अरे फिर सब सब लोग किसने किया? मम्मी भी तो यही पूछेगी ना, किसने किया? बट दीदी मैं नहीं किया, मैं अकेला नहीं था यहाँ पे। तो नंबर का झूठा है, तो हमेशा झूठा ही रहेगा, कभी सच मत। तेरा मन कभी साफ नहीं होता। जाओ जाओ, झूठा हूं। क्या जाओ जाओ, क्या जाओ, तू निकल निकल निकल। इसका नॉइस जो बदतमीजी से तू बात कर रहा है ना, मैं इरिटेट। तू भी मुस्कान, थोड़ा रिलैक्स हो के बात कर, रिलैक्स करके बात कर। तूने किया है?
सच बोले मुस्कान का भड़ास अगर आप लोग को दिखाने का तो कमेंट में बताओ। जो दिल में था वो जुबान पे था। अरे तो मेरा क्या तो मेरे पे प्रैंक मत करो प्लीज। यार तू तो जानता है ना मैं गुस्सा होती हूँ तेरे पे बट तू ऐसा नहीं सोचा। दीदी आप तो ज्यादा ही बोल रही हो। कुछ कुछ चीज किसी ने पूछा खेलते खेलते मार दिया मेरा नाम डाल रहे हैं। लेकिन गाइस सच बताना ऐसा लग रहा था ना मुस्कान उस पे पर्सनल अटैक कर रही है। मुझे क्या लगा मतलब किसी ने तो कुछ मारा यहाँ पे गलती से और मेरा नाम डाल दिया क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में था। गाइस प्लीज जो भी मैंने बोला दिल से नहीं बोला वो सिर्फ एक एक्ट था। मैं एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ मुझे पता है एक्ट था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और सॉरी सॉरी तुझे रोना पड़ा इसकी वजह से। आई एम रियली रियली सॉरी। एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब कमेंट से बताओ आपको इसको देख के कैसा लगा। कौन सा सीन अच्छा लगा कौन सा चीज बुरा लगा किसके लिए बुरा लगा सब बुरा लगा।